अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज जुमा है, जुमा मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। और कल हम लोग की ईद है और ईद हम लोग कल मनाएंगे इंशाल्लाह। और दुआ में याद रखना, खुदा हाफिज़। गाइस, मैं आया रात का फूड डिलीवरी देने के लिए। इस समय मान लो कि 10:30 बज रहा है और आया हूँ मैं उमरिया में। देखो, ये सीधे चला जाएगा, खैतान चला जाएगा और लेफ्ट साइड में चला जाएगा। 55 नंबर रोड है वेस्ट सिटी, फिर आगे से मेरे को 5 नंबर रोड पकड़ना है। आगे से हमको 5 नंबर रोड पकड़ना है और बहुत डेंजर सिग्नल भी है। तो आधी गाड़ी उधर जा रही है, आधी गाड़ी इधर रुक गई। वे दूसरी लाइन में रहते तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता, मगर अपने को लास्ट ट्रिप में जाने का लास्ट लाइन में, क्योंकि अभी ये 55 नंबर चला गया है, ये खैतान साइड में चला गया है और ये अभी लेफ्ट साइड में जो है 5 नंबर रोड पकड़ना है। और ये मैं जो खड़ा हूँ ये खैतान है, ये जो मैं खड़ा हूँ ये खैतान है। वो देखो सिग्नल तोड़ के भाग गया, सिग्नल तोड़ के जाते एक्सीडेंट हो जाता है। अभी वो लोग फैमिली का परवाह नहीं करते ये लोग। थोड़ा संभल के गाड़ी चलाना चाहिए और क्या। कुवैत की बस कितनी लंबी लंबी, ये बिल्डिंग भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी है, मेरे मोबाइल में कवर भी नहीं हो पाता है। अभी हमारा सिग्नल तो खुलना चाहिए, खुल गया। चलो, हमारा भी सिग्नल खुल गया और पूरा एकदम जाम हुआ है, एकदम जाम है, देख रहे हो ना, एकदम जाम है। तो गाइस क्या करना चाहिए, आराम से अपन को एक नंबर गियर लगा के निकलना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये होटल होटल है, माता माता में ना होटल। तो इधर पे क्या है, खाने का टाइम हो गया है, इसकी वजह से जो है इधर साइड में गाड़ी खड़ी करके रोड के किनारे, तो ये लोग खाना खाते हैं पार्सल। ऐसे ऐसे तो ये लोग हैं, तो फिर क्या किया जाए। ओके गाइस, नाचे गो बहक सबके, चाहता निकाल सबके, और समझ ना आवे का कहीं। छन में गइल मन बदल के, खुश भइल धड़कन मचल के, हम तो पहले ऐसा ना रही। एक मिलन एक बार के हाई, खुशबू पहला प्यार के हाई, उमड़ता जज्बाती है चाहत के बात में। नजरिया हम भैनी बावरिया हम, ऐसन बुझाइल के जन्मों से जमीले, अब हम गई का यारी बताई का, यार के यार कितना हो बनले। लागल बा लागल हो, चाहत बा जागल हो, सही रहे के बा हर हालात। गाइस ये 5 नंबर रोड है और जो है कि देखो इधर रोड जो है बन रहा है। मैं बैक, मेरे को लगता है कि मैं आया था 10-12 दिन 15 दिन हुआ होगा मेरे को आए इधर, तो मैं उस वीडियो में ये रोड दिखाया था। बहुत जाम लगा है, तो बहुत आराम से गाड़ी चलाना पड़ता है क्योंकि रोड बन रहा है, नया रोड बना रहे हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट है नया रोड बनाती है और अच्छा बनाती है, माशाल्लाह। देखो नहीं है,
ध्यान से देखो गाड़ी, और कोई बाइक वाला भुरु भुरु करके निकाल रहा है इसी ट्रैफिक में। देखो एकदम ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, ये तो मुंबई की नगरिया है एकदम, ये मुंबई की नगरिया है। जो मुंबई में ट्रैफिक लग जाती है छोटी गाड़ी की ना, एकदम सेम टू वैसे ही है मुंबई की नगरिया में ट्रैफिक लग गई इस बार। तो गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। गाइस मैं रोड तो नहीं भूल गया यार, मेरे को अभी 40 नंबर रोड पकड़ना है, नहीं उसके बाद वाली जो ब्रिज है अब आएगी 40 नंबर रोड पकड़ना, पूरा बीच में टूट गया है, कंस्ट्रक्शन चालू भी है बनने के लिए, और हमको धीरे धीरे राइट में जाना है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करें, और ये बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, और हम ऐसा ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आए तो आपकी मर्जी। अब जब इतना देख ही लियो तो ज़रूर लाइक कर लो यार, लाइक थोड़ा सा करने में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं यार, लाइक तो कर दो यार, जब लाइक कर दिए तो सब्सक्राइब भी कर दो। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सा प्यार मिल रहा है तो उसी में हम खुश हैं, प्यार तो प्यार ही मिल रहा है ना। अभी हमको यहाँ से 40 नंबर रोड पकड़ना है, 40 नंबर रोड पकड़ना है तो रोड देख रहा टूटा हुआ है, अभी समझ से बाहर हो गया मेरे, अभी मिलेगा कि नहीं 40 नंबर रोड। चलो 40 नंबर तो दिख रहा है, 40 नंबर दिख नहीं रहा, ये दोनों फोटो लगा के खड़े हैं, देख रहे हैं हम लोग को। अरे भाई साहब थोड़ा गाड़ी साइड में लेके चलना मेरे भाई, ये मुंबई की नगरिया है एकदम, देख रहे हो ना यार, एकदम ब्लैक कलर हो गया यार, क्या करे लाइट है ही नहीं इधर, ब्लू ब्लू ही। ये मैं रोड पकड़ लिया हूँ 40 नंबर रोड, मैं 40 नंबर रोड पकड़ा, इधर हतीन है, बस सलाम है राइट साइड में, और क्या, तो अभी यहाँ से हमको कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा जाने के लिए। हम इसलिए इतना टाइम बता रहे हैं क्योंकि हमको मुबारक कबीर जाने में ट्रैफिक लगेगा, और हम 7 नंबर रोड पकड़ेगा, किधर से भी पकड़ेगा तो भी ट्रैफिक में फंसेगा, क्योंकि पब्लिक अब गांव जा रही है, घर जा रही है, गांव नहीं घर जा रही है। तो आपको तो मालूम है ईद आ गई है, कल के बाद परसों तो ईद है, 9 तारीख को, कल 8 तारीख है, 9 तारीख को ईद है, तो मार्केट वार्केट तो सब कर ही रहे हैं, तो इसलिए ट्रैफिक लगेगा ही लगेगा। और मेरे जो यूट्यूब देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्या आप लोग भी ईद पे कपड़ा वपड़ा लिए हो कि नहीं, तो नहीं लिए हो तो जाके ले लो, और क्योंकि भाई ईद आ गई है, बकरा ईद आ गई है, हमारा क्या, हमको किसको दिखाना है, हम तो इधर पहनेगा 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटे के लिए पहनेगा, नमाज पढ़ेगा, उसके बाद आके होटल में मता रूम में कपड़ा चेंज करके और काम पे लग जाएंगे। जब काम पे लग जाएंगे तो फिर कपड़ा क्या खरीदेने हैं, जो है वहीं पहनेंगे और क्या, घर चलेंगे तो नया देखेंगे पहनेंगे और क्या, मगर ये है
घर की मजा तो कुछ और ही रहती है भाई। ईद पे कपड़ा पहनो, नया नया कपड़ा पहनो, जूता पहनो, चप्पल पहनो, सेवैयां खाओ। मेरे को तो बहुत पसंद है यार सेवैयां। अभी मेरा एक गांव का छोकरा जो है आने वाला है, एकदम खास गांव का है, उसको मैं बोला सेवैयां लेके आ, वो देखो इंशाल्लाह लेके आएगा। और मैं और मेरा एक दोस्त है इधर, हम दोनों मिलके खाएंगे। तो अभी वो आएगा तो ईद बाद आएगा, और हमको सेवई खाने का अभी दिल कर रहा है, तो क्या किया जाए भाई। Okay.